फिर कांडिया सिंह को क्या, एक दूसरे को खाता है ना करह जो है उसी को काटा, उसको तीसरी बारी बैठ कर लिया। बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि भारत का सबसे जहरीला सर्प है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल संदेश के सर्प मित्र पे। यहाँ कुएं के अंदर सर्प ही रहा है और कई दिनों से परेशान थे, तो गर्मी का थोड़ा मौसम था इसलिए हम थोड़ा घुसना नहीं चाहते थे। तो हम आज थोड़ा मौसम बारिश का है, हम कहे भाई चले आज इनका भी काम कर देते हैं। फोन आप किए थे, आइए इधर आइए, अपना नाम पता बताइए। अपना नाम टिल्लू यादव, हमने इनको फोन किया आए, मेरा नहीं सर फोटो ऐसे ले आई। क्यों चलिए भाई, यह बहुत खतरनाक मंजर है, यह एक तरह का मौत का कुआं है। और थोड़ा सा रिस्की काम है, एक सांप इसके अंदर मर चुका है, एक सांप ना। हाँ बत्ती ले जाइए, थोड़ा बत्ती बनाओ, बत्ती है। चलिए हमें छड़ी गिराइए, छड़ी छड़ी एक तो स्पेक्टल कोबरा था, ये मर चुका है। और सीढ़ी भी आई, हाँ सीढ़ी लाइए, लाइए राधा, चलिए लाइए। यहाँ सीढ़ी की व्यवस्था हो चुकी है, थोड़ा हमें घोसले मसाले रहेगी। तो साथियों कुआं के अंदर होल है और लाइट है नहीं, बरसात का मौसम से लाइट नहीं आ रही है, तो अभी कुछ देर बाद फिर घुसना पड़ेगा उसमें। तो अभी पानी का व्यवस्था नहीं हो पाया है और इंजन भी नहीं है, तो टाइम लगेगा। तो भैया जी बाहर आ रहे हैं खोज उज के, अभी दोबारा हलना पड़ेगा। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, दोबारा की छुट्टी चलते हैं और देखिए वीडियो पूरा ध्यान से। दोस्तों मॉर्निंग में आए थे, सक्सेस नहीं हुए क्योंकि बिजली नहीं थी, तो पानी व्यवस्था नहीं हो पाया। हम दोबारा फिर यहाँ आए हैं और पानी हो चुका है और एक नहीं चार सांप दिखे यहाँ पे, और कोबरा है, कॉमन करे, सब जहरीले हैं, घातक हैं। और दिखाते हैं निकाल के, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और कौन कौन से सर्प हैं इसके बारे में जानकारी भी देंगे। और सब जहरीले हैं, लाइफ में शायद पहली बार एक साथ इतना सर्प देखा हूँ। साथियों ये मत सोचना कि हम छोड़ के बना रहे हैं और लोगों की तरह वीडियो, भैया हम छोड़े तो नहीं ना वीडियो, इनके लोग इनकी तरफ कैमरा करिए, हम छोड़ के तो नहीं बना रहे हैं ना। और अब तक तो सुबह लोग बता रहे थे दो हैं, लेकिन पानी जो इसमें भरा गया तो चार निकले हैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी जगह पहले से बनी हुई थी। चार सांप दिख चुके हैं, अभी अंदर जाने के बाद देखते हैं कितने सांप हैं। और
एक तो बहुत बिग साइज का कॉमन करैट है जो भारत का सबसे जहरीला सर्प है। देख ले इतने सर्प हैं, कई सर्प दिख रहे भाई। ये दीपक भाई तो देखिए थैला नीचे जा रहा है सर्प भरने के लिए, उसमें उसमें जाने में थोड़ा दिक्कत है, इसलिए आराम आराम से डालना पड़ेगा। और आप लोग देख सकते हैं बार बार गिर जा रहा है सर्प, फिर देखिए पकड़ लिए हाथ में। किले हैं जितने भी हैं, कुछ लोग कमेंट में साथ कहेंगे भाई कहीं छोड़ के तो नहीं बनाया, ऐसा कुछ नहीं है साथियों, जो है रियल दिखा रहा हूं, कोई फेक नहीं है। काफी रिस्क लेना पड़ रहा साथियों यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए एक ऊपर जा रहा है और उसको अंदर जा देखो जाता है या नहीं, शायद ये वाला अभी पहला सर्प है, अब ये अंदर चला जाएगा हो सकता है। तो देखिए उसकी मुंडी पकड़ा गई है, अब वो आराम से थैले में चला जाएगा। तो आप लोग देखिए दो इसके अंदर जा चुके हैं, अभी दो और हैं, आप लोग देख सकते हैं आराम से। दोस्त के अंदर जा चुके हैं, तो आप लोग देख सकते हैं अभी इसके अंदर दो और हैं और वो भी दो खतरनाक हैं। हाँ लगता है सेफ्टी देनी पड़ेगी। तो देखिए हैंड सेफ्टी अंदर जा रहा है, निकालना बहुत मुश्किल है और दो सर्प हैं वो थोड़े खतरनाक हैं और चारों जहरीले हैं। दीजिए नीचे लाइए। तो आप लोग देख सकते हैं हैंड सेफ्टी से काम करना पड़ेगा ताकि कोई खतरा ना हो हम लोगों को, मतलब भैया जी को। और देखिए तो आप लोग देख सकते हैं तीसरा सर्प रखने जा रहे हैं भैया जी, और तीसरा भी गया अंदर, अभी एक और एक कॉमन कर रहा है भारत का सबसे जहरीला सर। यह काफी फुर्तीला काफी एक्टिव किस्म का होता है। यही ज्यादा डिस्टर्ब मत करिए, हम पानी लिए भैया के हाथ में और सैकड़ों थैले से हम पैक कर लिए, पकड़ चुके हैं और बाहर निकालने वाले हैं। यह तरफ सांपों का जखीरा बन चुका है, इसको कहते हैं मौत का कुआं, असली मौत का कुआं ही है। उन्हें भी अभी तो नहीं दिखाई दे रहा है कोई, तो बारिश नहीं हो पाती तो शायद हालत खराब हो जाती। बारिश की वजह से थोड़ा सा मौसम ठंडा है, फिर भी काफी गर्मी लग रही है। सब एक साथ नहीं होते थे।
हमें आने दीजिए तब खींचना इसको। तो आप लोग देख सकते हैं चारों सर्प ऊपर आ रहे हैं। तो सर को पकड़ चुके हैं, रेस्क्यू हो गया है और बाहर भी आ चुके हैं थोड़ा सा। काफी इतनी गर्मी थी और एक बार दिखा दे सबको। ये फाइनली चारों सर्प है, ये चार ही चारों घातक है, जहरीले हैं। हटिए थोड़ा दूर, हटिए बच्चे दूर रहिए। तीन स्पेटकल कोबरा है, एक कॉमन करे जो भारत का सबसे जहरीला सर्प होता है। छड़ी देना हमारी लोग, छड़ी देना छड़ी। देखिए इतने सारे सर्प पाल निशाचर बोलते हैं, निशाचर उसे बोलते हैं कि मध्यरात्रि व्यक्ति होता है, आदमी को बिस्तर पे चढ़ के काटता है। आदमी का जो गर्माहट है ना शरीर का, इसको ज्यादा पसंद है, इसलिए आदमी के बिस्तर पे जाके सो जाता है। जाने अनजाने हाथ पैर पड़ जाता है, दर्द जाता है तो काट लेता है। नहीं, ये बहुत शर्मीली किस्म का होता है, काटता नहीं जल्दी किसी को, लेकिन जिसको काट लिया सब, हाँ जब दबेगा तभी काटेगा। और ये सर्प जो है कोबरा करे, कोबरा जो है स्पेटकल कोबरा, इसके अगर पास में पैर रख देंगे तो झपट्टा मार के काट लेगा। हाँ ये सब फन वाले हैं। इनके मुंडी जो होती है पहचान है, इनके मुंडी पे जो काले रंग के लकीर बने होते हैं ना, ये पहचान है। और कॉमन कलर काफी बिग साइज है। चलिए भाई इनको भी धूप लग रही है, इसको पैक करते हैं, फिर इनके वनकुली तो अगर हम रिलीज कर देंगे। वैसे सांपों को मारना चाहिए? नहीं 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 मारना चाहिए। क्यों नहीं मारना चाहिए? कि देखिए इसके साथ शरीर पे कुछ चोट का निशान है क्या? ईंटे उठा कर मारे। हाँ बाहर से शायद दिखा होगा, तो ईंटों से मार दिए होंगे। देखिए इसको बाइट कर लिया है, कॉमन करे इसको कर लिया है। चलिए बहुत काफी फुर्ती से, इतनी जल्दी तो नहीं जानते थे कि काट लेगा इसको, उसको बाइट कर लिया है। चलिए थैला दीजिए इसको, पैक करते हैं। फिर काट लिया उसी को क्या? दोबारा इसको वाइट कर दिया ना। ये ऐसा सर्प है कि अगर 20 आदमी को लगातार काटेगा तो 20 की मौत हो जाएगी। और को एक दूसरे को खाता है ना करे जो है, उसी को काटा, उसको तीसरी बारी बैठ कर लिया। चलिए उसको छोड़ा, हटिए देना करा, थोड़ा दूर रहिए, थोड़ा दूर रहिए, हैंड सेफ्टी देना करा भैया। इसको हम पैक करते हैं, सेफ्टी वहीं पर। क्योंकि इससे छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भारत का सबसे जहरीला सर्प है। सबसे ज्यादा जहरीला सर्प है, जहरीला सर्प है, लेकिन जल्दी मौत होने वाली ये सब कोबरा से है। इनसे मौत देर से होगी, लेकिन मौत पक्की है कॉमन करे से। चलिए बेटा दूर रहिए थोड़ा, तुम लोग इतने शेर मत बनो। चलिए थोड़ा सा पैर दूर रखिए भैया, कोई बात नहीं, चढ़ने तो कहाँ जाएगा। तो सर्दियों पहला सर्प पैक होने वाला है, तो पहला सर्प पैक हो गया है, हम लोग देख सकते हैं पैक हो गया। एक तो हमने पैक कर दिया इसके अंदर, अच्छा।
इसको भी इसे में पैक कर देते हैं। तो देखिए तीसरा सर्प निकालने वाले हैं और पैक करने के लिए जा रहे हैं, तो देख सकते हैं कहाँ जा रहा है वो सर। तो इसको पकड़ लेते हैं। एक लगे ये काट रहा है। कट नहीं पाया इसमें। सभी खतरनाक है, यहाँ ऐसा कोई नहीं जो खतरनाक ना हो। जी पहाड़ी दुनिया बहुत दिन के बाद देखेंगे। जाना नहीं चाह रहा था, यही बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है पैक करते समय, खतरा ही होता है। ओह कब हमारी सांसें थम जाए, हमारी फोटो पे माला चढ़ जाए, इसकी हम कोई गारंटी नहीं ले सकते। चलिए जिसको सक्सेसफुल हुआ इसको हम चाकू से पैक कर चुके हैं। चलिए कोई रस्सी देना पतली सी जिसको बांध दे, टूट जाएगी नहीं। सक्सेसफुल हुआ हमारा। और हमारा काम कैसा लगा आप लोगों को, काम कैसा लगा आप लोगों को हमारा काम? इन जरा महिलाओं की तरफ करिए, माताओं बहनों की तरफ। तो कैसा लगा हमारा काम आप लोगों को? बहुत बढ़िया, बढ़िया लगा। इसी तरह हमारा सपोर्ट करते रहिए, हम जीव जंतु को बचाते रहे। नेक्स्ट मिलते हैं किसी वीडियो में किसी जीव जंतु के साथ, तब तक हाथ जोड़ के सबका धन्यवाद देते हैं।